है नक्सल कनेक्शन को लेकर एनआईए लगातार एक्टिव है। देश में हिंसा की साजिश रचने का गंभीर आरोप है। कई संगठनों के कार्यालयों पर भी एनआईए की छापेमारी चल रही है। यूपी समेत 4 राज्यों में एनआईए इस वक्त एक्टिव मोड पर है, जहां पर टीमें पहुंची हैं, छापेमारी चल रही है। और देखिए जानकारी इसको लेकर जो इनपुट सामने आया उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। देश में हिंसा की साजिश रचने के गंभीर आरोप है और ऐसे में कई संगठनों के कार्यालयों पर भी एनआईए की छापेमारी जारी है, क्योंकि वहां से कई पुख्ता इनपुट मिले थे जिसके आधार पर एनआईए इस वक्त सक्रिय है। तो देश के 4 राज्यों में इस वक्त एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। नक्सल कनेक्शन को लेकर ये छापा पड़ रहा है। देश में हिंसा की साजिश रचने का गंभीर आरोप है और साथ ही साथ कई संगठनों को भी आड़े हाथों लिया गया है। यूपी समेत 4 राज्यों में एनआईए की टीमें मौजूद हैं, छापेमारी चल रही है। मौके पर कई संगठनों के लोगों से भी पूछताछ इसमें होगी, वहां पर भी संगठनों में भी छापेमारी चल रही है। नक्सली कनेक्शन को लेकर एनआईए का छापा पड़ा है देश के 4 राज्यों में, इसमें उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य शामिल है। हिंसा की साजिश रचने का गंभीर आरोप है जिसको लेकर सक्रिय है देश में एनआईए। स्वाति पाठक जुड़ गई हैं मेरे साथ इस खबर पर। स्वाति, क्या अपडेट है? 4 राज्यों में एनआईए की टीम बहुत सक्रिय है और इसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, देखिए नक्सल कनेक्शन को लेकर एनआईए का छापेमारी जो है वो सुबह से चल रहा है और देश के 4 राज्यों में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और एनआईए की टीम सुबह सुबह पहुंचकर ये छापेमारी की जा रही है और देश में हिंसा की साजिश रचने का गंभीर आरोप जो वो लगा है सीपीआई के खिलाफ एनआईए की ये कार्रवाई चल रही है। और 4 राज्यों में इस वक्त जो है वो छापेमारी एनआईए की टीम कर रही है। कई संगठनों के कार्यालयों पर भी एनआईए की टीम पहुंची हुई है और वहां पर छापेमारी की जा रही है। तो बिल, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो हलचले काफी तेज है, कई संगठनों के कार्यालय पर भी इस वक्त एनआईए की टीम मौजूद है। देश के 4 राज्यों में इस वक्त काफी एक्टिव मोड पे है एनआईए की टीम। बढ़ते अगली खबर की तरफ।